हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरनेट से ही रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक से बात करने वाले हैं जो कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो है इंटरनेट में कैसे डेटा का ट्रांसमिशन और अच्छे से होता है विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजेशन एंड असिंक्रोनाइजेशन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की हेल्प से। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है क्या अगर हम लोग कहते हैं कि डेटा ट्रांसमिट हो रहा है यानी नेटवर्किंग भी बना ली हमने, यानी कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, इंटरनेट के बारे में ये पढ़ा कि कैसे नेटवर्किंग बनती है और कैसे डेटा का ट्रांसमिशन जो है कितने मोड में होता है और ये जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो उसके लिए हमको क्या लिंक की जरूरत होती है यानी कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत होती है, यानी कम्युनिकेशन अगर हम बना रहे हैं दो सिस्टम के बीच में तो हमें कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत होती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन लिंक को हम जब करते हैं दो सिस्टम के बीच में तो कैसे डेटा ट्रांसमिशन होता है, तो इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो दो टाइप्स में होता है, एक सीरियल होता है दूसरा पैरेलल होता है। और सीरियल और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में किस टाइप से डेटा ट्रांसमिट होता है इसके लिए भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो हमारा कम्युनिकेशन है हम यानी कि हम आपस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी हम यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डेटा सेंड कर रहे हैं और आप तक पहुंच रहा है वो डेटा, आप हमसे कम्युनिकेशन हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं फ्रेंड्स, उसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। और इंटरनेट में ये जो है कम्युनिकेशन बनने के लिए हमें कम्युनिकेशन लिंक की जरूरत होती है, तो कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा भी हम लोग कम्युनिकेशन बना सकते हैं। इसके अलावा यानी अगर हम कम्युनिकेशन लिंक को यूज करते हुए अगर डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो कहते हैं गाइडेड मीडिया को यूज करते हुए हमने कम्युनिकेशन बनाया, और अगर विदाउट कम्युनिकेशन हम लोग काम कर रहे हैं डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसमें हम कहते हैं कि अनगाइडेड मीडिया के माध्यम से हमने क्या किया, नेटवर्किंग को बनाया। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि जो डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो गाइडेड मीडिया के द्वारा और अनगाइडेड मीडिया दोनों को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन में और पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन में हमने पहले बताया था कि डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है उसके लिए, यानी कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस का डेटा ट्रांसमिट करना है तो सीरियल डेटा ट्रांसमिशन का यूज करना पड़ता है, और अगर हम लॉन्ग टाइप यानी लॉन्ग वे में अगर कम्युनिकेशन बना रहे हैं तो क्या करते हैं लॉन्ग वे में, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं और बैठे हुए हैं और हमारा कम्युनिकेशन जो है अपने अपने इंस्टीट्यूट से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारा और आपका कम्युनिकेशन कैसे बन रहा है, एक सीरियल कम्युनिकेशन बन रहा है, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की वजह से हमारा कम्युनिकेशन बन रहा है। और पैरेलल में क्या होता है कि यही डिस्टेंस काफी कम हो जाता है, लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड ज्यादा फास्ट होती है, बिकॉज हम लोग एन लिंक को यूज करते हुए एन बिट डेटा ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है सीरियल में, देखिए यही है सीरियल और पैरेलल का कि जो है पैरेलल में हम लोग एन बिट को ट्रांसफर करने के लिए एन लिंक को यूज करते हैं, एन कम्युनिकेशन चैनल को यूज करते हैं, इसलिए डेटा फास्टली एक जगह से दूसरे जगह नेविगेट कर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सीरियल की बात करते हैं तो सीरियल में क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं और डेटा सिक्वेंशली एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो पाता है। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग अगर अपनी बात को एक एग्जांपल के द्वारा समझाए तो ज्यादा आपको क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एक इमेज बना के आपको पिछली बार भी दिखा चुके हैं कि कैसे हमारा सीरियल से डेटा ट्रांसमिट होता है और पैरेलल से डेटा ट्रांसमिट होता है, लाइक दैट हम लोग अगर एक एग्जांपल अगर बात करते हैं तो सीरियल मोड में क्या होता है कि फुल ड्यूप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसमिट होता है, और फुल ड्यूप्लेक्स मोड जैसे कि आप
क्या यूज करते हैं, टेलीफोन लाइन का यूज करते हैं, मोबाइल को यूज करते हैं ना, तो मोबाइल में क्या होता है कि आप उसी डिवाइस के द्वारा क्या करते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं डेटा और उसी डिवाइस को यूज करते हुए डेटा को सेंड भी करते हैं, ठीक है। और बाय डायरेक्शनल मोड में आप क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करते हैं सीरियल मोड में। लेकिन यही पैरेलल को अगर हम यूज करें तो पैरेलल में क्या होता है, वॉकी टॉकी सिस्टम यूज होता है। लेकिन आज हम लोगों का जो मेन टॉपिक रहेगा डेटा ट्रांसमिशन का, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि सीरियल टाइप में जो डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो क्या होता है, कि कितने टाइप्स का होता है। यहाँ पे हम लोग ये इस बात के लिए डिस्कसिंग करेंगे। तो जो डेटा ट्रांसमिशन का हमारा टॉपिक है वो हम पहले आपसे पुरानी वीडियो में, मतलब पुराने लेक्चर में हमने वो क्लियर कर दिया है कि सीरियल और पैरेलल होता क्या है, इसका यूज किस लिए होता है, इसका फंक्शन कैसे होता है, यानी कि इसमें डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है वो है सिंक्रोनाइजेशन एंड असिंक्रोनाइजेशन, यानी सीरियल टाइप में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है सिंक्रोनाइजेशन, दूसरा होता है असिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन एंड असिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, कुछ नाम से ही डिफाइन हो जाता है, बट फिर भी हम आपको इसको समझा देंगे तो वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी टॉपिक के बारे में समझते हैं तो जब तक हम उसकी गहराई तक ना जाते हैं तब तक हमको समझ में नहीं आता, और विद एग्जाम्पल हम उसको नहीं समझ पाते हैं तो हमें और ज्यादा वो क्लियर नहीं हो पाता है। क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए क्या होता है कि हमें कोई टॉपिक के बारे में ज्यादा क्लियरिटी आती है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि डेटा ट्रांसमिशन मीन्स डेटा ट्रांसफर होना। डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, दो डिजिटल डिवाइस को यूज करते हुए हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं, और डेटा जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, बिट फॉर्म में होता है। बिट फॉर्म में डेटा हियर एंड देयर ट्रांसफर करता है, और डिजिटली डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा है अब वो कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो एनालॉग सिग्नल से ट्रेवल करता हुआ क्या होता है, जब दूसरे डिवाइस में एंटर करेगा तो कैसे होगा, वो फिर से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो डेटा ट्रेवल कर रहा है उसी को, यानी एक जगह से दूसरे जगह, यानी सेंडर से रिसीवर के पास जो डेटा पहुंच रहा है तो उसके लिए, उसी को हम कहते हैं डेटा का ट्रांसमिशन। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको कि डेटा ट्रांसमिशन को मतलब किस फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन यानी मतलब डेटा ट्रांसफर होना या डेटा का ट्रेवल करना एक जगह से दूसरी जगह, इसी को कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन। और डेटा ट्रांसमिशन में हमने पढ़ा था कि ये दो टाइप्स के होते हैं, सीरियल एंड पैरेलल। और सीरियल और पैरेलल के लिए मैंने लेक्चर जो बनाई है उसमें आपको ये क्लियर कर दिया है सीरियल क्या होता है और पैरेलल मोड में डेटा ट्रांसमिशन कैसे होता है और क्या होता है। फिर उसके टाइप्स, आज हम लोग सीरियल के टाइप्स को क्या करेंगे कि सीरियल डेटा ट्रांसमिशन कितने टाइप्स का होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग जो है सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। There are two types of data
देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन ठीक है, दो टाइप्स में डेटा को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं लाइक दैट। यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये जो है जिसे फर्स्ट होता है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन डेटा ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन। एंड सेकेंड होता है असिंक्रोनाइजेशन, असिंक्रोनाइजेशन ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो टाइप्स में जो डेटा ट्रांसमिट किया, डेटा ट्रांसमिशन ठीक है, ये जो है हमारा दो टाइप्स में डेटा ट्रांसमिशन हो गया। एक होता है सिंक्रोनाइजेशन डेटा ट्रांसमिशन एंड सेकेंड होता है असिंक्रोनाइजेशन डेटा ट्रांसमिशन। अब सिंक्रोनाइजेशन का हम लोग एक बार डायग्राम समझ लेते हैं कि ये कैसे क्या करता है तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे इसकी क्लियरिटी लाने के लिए हमको क्या करना है। स्टेज होता है सिंक्रोनाइजेशन डेटा ट्रांसमिशन ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइस बना के एक बार डायग्राम के द्वारा आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि कैसे डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो डिवाइस के द्वारा जो है यानी इमेज के द्वारा आपको ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि हम बताना क्या चाह रहे हैं और कैसे डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है सेंडर से रिसीवर के पास ठीक है। अब देखिए सिंक्रोनाइजेशन में क्या होता है, जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो विदाउट गैप यानी बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिट होता है, और बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिट होता है लेकिन ब्लॉक फॉर्म में होता है यानी एक फ्रेम के मोड में डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। कैसे, अब इसको हम जो है थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं डायग्राम की वजह से ताकि आपको जो है ये जो है कहीं से कोई कंफ्यूजन ना रह जाए ठीक है। लाइक दैट यहाँ पे ठीक है ये हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो है दे दिया ये, फिर उसके बाद यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो ये कुछ इस टाइप्स में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ठीक है ये ठीक। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, डेटा यहाँ पे जो है ट्रांसमिट हो रहा है यानी कोई गैप नहीं होता। जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो कैसे होता है, विदाउट गैप मोड में होता है, और यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, फ्रेम के मोड में, इसी को कहते हैं डेटा फ्रेम्स ठीक है। यहाँ पे ये फ्रेम्स बने हुए हैं, ये जो बने हुए हैं ना ये आप देख रहे हैं ब्लॉक जो चल रहे हैं, इसमें बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिट होता है और फ्रेम में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और यहाँ पे जो डेटा की ट्रांसमिशन होता है वो स्लो स्पीड में होता है, और सेंडर से रिसीवर के पास जो डेटा जाता है वो कैसे जाता है,
कि बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा है, स्लो स्पीड में ट्रांसफर हो रहा है, डेटा की क्लियरिटी बनी रहती है, यहाँ पे क्लॉक पल्स को यूज करते हुए डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, यानी दो डिवाइस से सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो रहा है, क्लॉक के अकॉर्डिंग, यानी एक्सटर्नल क्लॉक को यूज कर सॉरी क्लॉक को यूज करते हुए क्या हो रहा है कि एक डिवाइस से दूसरी डिजिटल डिवाइस तक डेटा पहुंच रहा है, कैसे पहुंच रहा है, बिट बाय बिट, ठीक है, बिट बाय बिट डेटा क्या हो रहा है, ब्लॉक यानी फ्रेम वाइज, यानी ब्लॉक मोड में, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डेटा के बीच में स्पेस नहीं होता है, तो ये जो डेटा जाता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे जो डेटा जाता है एकदम सिक्वेंशली मोड में और सही ऑर्डर में चला जाता है डेटा एक जगह दूसरे, और इसका यूज जो होता है यानी इसमें इस टाइप में यानी सिंक्रोनाइजेशन मोड में क्या होता है, डेटा जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड में होता है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसमिट होता है, जिसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो टेलीफोन, टेलीफोन, ठीक है, टेलीफोन लाइन को हम लोग यूज करते हुए क्या करते हैं कि उसी डिवाइस से हम लोग बोलते भी हैं, उसी डिवाइस से सुनने का भी काम करते हैं, तो यहाँ पे ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है एक्सटर्नल क्लॉक को यूज करते हुए और बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और टेलीफोन लाइन यानी टेलीफोन लाइन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड में जो है यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। अगर हम असिंक्रोनाइज मोड को देखें तो असिंक्रोनाइज मोड में क्या होता है, असिंक्रोनाइज में, चलिए इसको समझ लेते हैं कि असिंक्रोनाइजेशन मोड में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि ये है क्या, यहां पे असिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, असिंक्रोनाइज एंड सिंक्रोनाइज मोड, चलिए इसको हम जो है सिंक्रोनस इसको हम कर दे रहे हैं असिंक्रोनस, यानी इसको हम जो है असिंक्रोनाइज भी कह सकते हैं या फिर असिंक्रोनस मोड भी कह सकते हैं, कि जो है सिंक्रोनाइज या सिंक्रोनस मोड, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो है ये हम कर दे रहे हैं ताकि आपकी ये क्लियरिटी बनी रहे, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि थोड़ा सा भी जो है इसमें डिफरेंट हो जाता है हेडिंग में, तो आपको कंफ्यूजन बनने लगता है, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन एंड यहाँ पे कर दे रहे हैं सिंक्रोनाइज डेटा ट्रांसमिशन, असिंक्रोनस एंड ये, इसको भी हम क्लियर दे दे रहे हैं असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, और ये चीज हम हटा के बल्कि इसको जो है ये थोड़ा सा और जो है ये डिस्टेंस खत्म कर दे रहे हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये है क्या, ये ठीक है, ये क्लियर, तो ये हो गया सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। अब यहाँ पे डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, चलिए हम लोग इसको समझ लेते हैं, यहाँ पे ये डिवाइस यानी कि एक डायग्राम के द्वारा आपको ये दिखा दे रहे हैं कि कैसे एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है कि जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो पैरिटी मोड में, यानी कि एक स्टार्ट बिट होती है और दूसरी स्टॉप बिट होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक गैप बन जाता है, लाइक दैट हम आपको यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं कि कैसे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, यानी बाइट फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ये वन हो गया,
और बीच में यहाँ पे देखिए हम इसको क्लियर कर दे रहे हैं ताकि आपको ठीक है ये यानी बाइट फॉर्म में डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है और इसको हम ये देखिए ये कर दिया है कुछ इस टाइप, ठीक है, यानी इस टाइप में डेटा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है। अब देखिए आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हमने आपको बताने की कोशिश की है कि डेटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखिए ये है आपका ए नोड, ये है आपका बी नोड, ठीक है, यहाँ से ये हम बता दे रहे हैं कि ये आपका सेंडर हो गया, यानी आपका ये सेंडर नोड हो गया जो कि ए है, और ये आपका रिसीवर नोड हो गया जो कि बी है, ठीक है, ये रिसीवर नोड हो गया। अब देखिए आप सेंडर जो डेटा सेंड कर रहा है यानी यहाँ पे जो दो डिवाइस के बीच में सिंक्रोनस बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ये स्टार्ट एंड स्टॉप बिट को यूज करते हुए। अब स्टार्ट बिट क्या होती है, यहाँ पे देखिए ये आपकी जो है यानी ये आपकी स्टॉप बिट हो जाती है, यहाँ पे स्टार्ट एंड स्टॉप बिट को यूज करते हुए क्या हो रहा है, ये देखिए ये हो गई आपकी स्टार्ट बिट, यानी जीरो जो होती है वो स्टार्ट बिट हो जाती है और वन क्या है स्टॉप बिट। तो जैसे ही सेंडर ने क्या किया कि डेटा सेंड करना स्टार्ट किया, यानी जैसे ही रिसीवर को जीरो मिला वैसे ही वो समझ जाएगा कि डेटा अराइव हो रहा है, यानी डेटा अब जो है रिसीवर को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है जो गैप होता है इसकी वजह से जो है जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो स्लो होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई गैप नहीं है, तो इसी गैप की वजह से यानी कि असिंक्रोनस में जो डेटा का गैप होता है और ये स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट की वजह से क्या होता है कि डेटा ट्रांसफर होने में काफी टाइम लग जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है। तो ये इसमें जो है दो डिवाइस में क्या करते हैं, ये यही ये क्या करते हैं, ये दोनों स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट क्या करते हैं, ये दोनों डिवाइस भी आपस में तालमेल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक का यूज नहीं होता है, यहाँ पे यही स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को यूज करते हुए क्या हो रहा है कि डेटा जो है ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, और इसके लिए हमें कोई क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं होती, यानी यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए हमें क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं होती, बल्कि विदाउट क्लॉक पल्स ये क्या हो रहे हैं डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं, कैसे, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट को यूज करते हुए। सबसे पहले स्टार्ट बिट जाती है जीरो रिसीवर के पास, उसके बाद पूरी पूरी एक बाइट ट्रांसफर होती है और फिर जैसे ही वन मिलेगा यानी जैसे ही स्टॉप बिट मिलेगी रिसीवर को वैसे ही वो समझ जाएगा कि अब डेटा का ट्रांसमिशन स्टॉप हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे, यहाँ का जो है ये फुल ड्यूप्लेक्स मोड होता है, लेकिन ये क्या करता है यानी असिंक्रोनस में क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है वो हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में नेविगेट करता है, यानी हाफ ड्यूप्लेक्स मोड को यूज करते हुए यानी वॉकी टॉकी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका है वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी को यूज करते हुए यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट होता है हियर एंड देयर, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है इसका। तो ये हुआ सिंक्रोनस मोड एंड असिंक्रोनस मोड का डेटा ट्रांसमिशन। अब हम लोग समझ लेते हैं कि इसका डिफरेंस क्या होता है, यानी ये हमें क्लियर हो गया कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है सिंक्रोनस मोड में वो एक्सटर्नल क्लॉक को यूज करते हुए दो डिवाइस में आपस में तालमेल बन रहा है, और डेटा भी कैसे ट्रांसफर होता है फ्रेम के मोड में, यानी फ्रेम वाइज डेटा बिट बाय बिट डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, एक डिवाइस से दूसरी जगह दूसरी डिवाइस पे ट्रेवल करता है, ठीक, और फुल ड्यूप्लेक्स मोड में
डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का इम्प्लीमेंटेड रहता है। और इसमें क्या होता है, असिंक्रोनस में क्या होता है, डेटा ट्रांसमिट तो होता है लेकिन बाइट में होता है, और बाइट में सेंडर से रिसीवर तक डेटा पहुंचता है। और दो डिवाइस में जो तालमेल बैठता है वो कैसे होता है, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट को यूज करते हुए। इसी स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, पैरिटी बिट। यानी यहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक के अकॉर्डिंग कोई भी डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता, बल्कि स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को यूज करते हुए डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हाफ ड्यूप्लेक्स यानी कि असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन में क्या होता है कि हाफ ड्यूप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसमिट होता है। इसीलिए यहाँ पे जो ये जो गैप है आप देख रहे हैं कि जो बाइट में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो गैप रहता है, इसीलिए स्लो स्पीड में डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है हियर एंड देयर, ठीक। तो ये इसका जो है एक, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको तो हम लोग समझ लिए हैं इसकी डेफिनेशन को, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका कंपैरिजन क्या होता है। तो तो चलिए हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, कंपैरिजन क्या होता है। ये तो डायग्राम के द्वारा हमने समझ लिया कि कैसे काम होता है इसमें, लेकिन अब हम लोग कंपैरिजन को देखते हैं कि इसका कंपैरिजन दो difference between difference between synchronous and asynchronous डेटा ट्रांसमिशन, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन। अब हम लोग जो है सिंक्रोनस और असिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन का एक कंपैरिजन भी समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, उससे क्या होगा कि हमें पूरी इसका पूरा जो है मैटर समझ में आ जाएगा कि ये कैसे फंक्शन करता है और कैसे डिफरेंस होता है एक से दूसरे में, कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा होता है कैसे ट्रांसमिट होता है, यानी कि हम लोग जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो कैसे ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, ये भी क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे डेटा का फ्लो सिंक्रोनस में होता है एंड असिंक्रोनस में होता है, क्लियर। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। सबसे पहले तो इसकी मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या होती है, यानी ट्रांसमिशन स्टार्ट विद द ब्लॉक हेडर विच होल्ड अ सीक्वेंस ऑफ बिट्स। यानी ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। अब ट्रांसमिशन कैसे स्टार्ट होता है, विद द क्लॉक मोड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपसे कि क्लॉक को यूज करते हुए यहाँ पे दो डिवाइस के बीच में क्या बनता है, दो डिवाइस के बीच में वो बनता है ना। चलिए यहाँ पे पहले जो डेटा का फ्लो हो रहा है वो ये बता दें आपको कि ब्लॉक मोड में होता है, फिर उसके बाद क्लॉक की बातें करते हैं। ब्लॉक मोड यानी ब्लॉक मोड को यूज करते हुए ब्लॉक हेडर विच होल्ड अ सीक्वेंस ऑफ बिट Which a block header, यानी जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो ब्लॉक मोड में होता है और बिट बाय बिट डेटा
एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है। ये तो सिंक्रोनस मोड में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डेटा फ्लो होता है वो कैसे होता है, इट यूजेज अ स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट, यानी स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट। ये भी बता दें आपको कि स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट जो हम यूज कर रहे हैं उसका जो है, यहाँ पे हम ब्रैकेट में बना दे रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये कैसे जो है डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लाइक दैट यहाँ पे हम जो है स्टार्ट बिट को जीरो, ठीक है, जीरो, एंड जो स्टॉप बिट होती है वो क्या होती है, वो होती है वन, ठीक है। इस तरीके से स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, डेटा को फ्लो करते हैं, और इट इज कॉल्ड अ पैरिटी बिट, यानी इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पैरिटी बिट, यानी इसी स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पैरिटी बिट। यानी सिंक्रोनस में जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो ब्लॉक मोड में होता है, बिट बाय बिट होता है, यानी एक फ्रेम में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। लेकिन असिंक्रोनस में क्या होता है, जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए हमें स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट की रिक्वायरमेंट होती है, दो डिवाइस में तालमेल बनाने के लिए पैरिटी मोड का यूज करते हैं, इसी स्टार्ट बिट स्टॉप बिट को हम लोग पैरिटी मोड बोलते हैं। अब सेकंड देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ये जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ये तो फर्स्ट मैंने देखा, फिर सेकंड देख लेते हैं कि जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो किस मैनर में हो रहा है, फ्रेम के मोड में। सेंड डेटा इन फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह डेटा किस फॉर्म में जाता है, फ्रेम के मोड में जाता है। अब यहाँ पे ये तो बिट मोड में डेटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंड डेटा। अब यहाँ पे जो डेटा सेंड किया जा रहा है वो कैसे होता है, वन बाइट एट अ टाइम, यानी एक बाइट एक समय में क्या होती है, सेंडर से रिसीवर के पास ट्रांसफर होती है, यानी एक बाइट जो है डेटा जो है वो सेंडर से रिसीवर के पास ट्रांसमिट होता है, लेकिन यहाँ पे बिट बाय बिट डेटा ट्रांसमिट होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि इसी में कंफ्यूजन होता है, जब क्वेश्चन आता है तो इसी से पूछा जाता है, तो कौन सा वो मोड है जहाँ पे बिट का यूज किया जाता है ट्रांसमिशन करने के लिए, और कौन सा डेटा ट्रांसमिशन है, यानी सिंक्रोनस असिंक्रोनस में किसमें डेटा बिट फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, तो ये तो हमने दो लिखा कि डेटा जो स्टार्ट होता है वो कैसे ब्लॉक मोड में स्टार्ट हो जाता है ट्रांसमिट होने के लिए, फिर यहाँ पे स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को यूज करते हुए डेटा ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह होता है, फिर इसी स्टार्ट बिट को हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट को क्या कहते हैं, पैरिटी बिट। और इसमें सेकंड वाला क्या मैंने आपको बताया कि जो डेटा सेंड हो रहा है वो फ्रेम के मोड में हो रहा है, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा फ्रेम के फॉर्म में, यानी फ्रेम में पहुंच रहा है। और यहाँ पे यानी असिंक्रोनस में क्या होता है, जो डेटा होता है वो वन बाइट एट अ टाइम सेंडर से रिसीवर के पास पास होता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, इसके लिए फिर से हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्या इसमें डिफरेंस है, तो सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का अगला जो वो है पॉइंट्स है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। असिंक्रोनस इसमें क्या होता है, अभी तक तो हम लोगों ने दो पॉइंट समझ लिया है, अब इसमें देखिए एक्सटर्नल क्लॉक का यूज होता है,
एक्सटर्नल क्लॉक का यूज होते हुए दो डिवाइस में क्या होता है, कम्युनिकेशन बनता है और डेटा का ट्रांसमिशन होता है। लेकिन इस प्लेस पे क्या होता है, इस प्लेस पर इंटरनल क्लॉक का यूज होता है। इंटरनल क्लॉक का यूज होते हुए डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। यानी इंटरनल क्लॉक क्या होता है, लाइक दैट हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनल क्लॉक यानी पैरिटी बीट का यूज होते हुए एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसमिट होता है और दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन बनता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है अगर हम सिंक्रोनस में देखें तो अगला डिफरेंस क्या है कि सिंक्रोनस में जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो फुल ड्यूप्लेक्स मोड में डेटा ट्रांसमिट होता है। फुल ड्यूप्लेक्स मोड यानी कि एक ऐसे डिवाइस का यूज होता है इसमें, यानी जो डिवाइस यूज की जा रही है उसके द्वारा सेंड भी किया जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे बाई डायरेक्शनल मोड में डेटा ट्रांसमिट होता है, ये समझ लीजिए। और ये इस प्लेस पर यानी असिंक्रोनस में क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स में नहीं बल्कि हाफ ड्यूप्लेक्स मोड को यूज करते हुए डेटा ट्रांसमिट होता है। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड को यूज करते हुए डेटा क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे जो डेटा की ट्रांसमिशन स्पीड होती है, यानी सिंक्रोनस की बात कर रहे हैं, सिंक्रोनस में जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। फास्टली डेटा हियर एंड देयर यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। और इस प्लेस पर क्या होता है, इस प्लेस पर जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो स्लो स्पीड होती है, यानी स्लो स्पीड में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है क्योंकि हाफ ड्यूप्लेक्स मोड को असिंक्रोनस मेथड में यूज किया जाता है, इसलिए क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड स्लो होती है। इसके अलावा यहाँ पे डेटा का गैप भी होता है, यानी बाइट बाय बाइट जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसमें गैप होता है, इसलिए जो डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड है वो क्या होती है, स्लो होती है। किसमें, असिंक्रोनस। अब अगला थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है यानी इसमें यानी सिंक्रोनस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ये जो है एक्सपेंसिव होता है। लेकिन ये क्या होता है, ये इकोनॉमिकली होता है, ये जो होता है ये इकोनॉमिकली होता है, ठीक है। सिंक्रोनस मोड में जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्यों, क्योंकि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को इम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों इम्प्लीमेंट होते हैं, इसको हम लिख दे रहे हैं इम्प्लीमेंटेड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंटेड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो इम्प्लीमेंट होता है, इम्प्लीमेंटेड इम्प्लीमेंटेड द हार्डवेयर, यहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर का इम्प्लीमेंट होता है, सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो जहां पे यानी सिंक्रोनस मोड में क्या होता है, इम्प्लीमेंटेड तो होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों इम्प्लीमेंट हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, असिंक्रोनस में सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर का इम्प्लीमेंट होता है। तो सब फिर से एक बार इसको हम लोग समझा दे रहे हैं आपको कि सिंक्रोनस में
इसका कंपैरिजन एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि जो सिंक्रोनस मोड में क्या होता है कि सेंडर से रिसीवर के पास जब डेटा ट्रांसमिट होता है, यानी एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिजिटल डिवाइस में डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो बिट बाय बिट होता है और फ्रेम में होता है, यानी फ्रेम में डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होता है। फिर सिंक्रोनस में क्या होता है कि डेटा जो क्लॉक पल्सेस यानी एक्सटर्नल क्लॉक पल्सेस को यूज करते हुए दो डिवाइस में क्या बनता है, तालमेल बनता है। और यहाँ पे हम लोग फुल ड्यूप्लेक्स मोड को यूज करते हैं, यानी ये क्या करता है, ये फुल ड्यूप्लेक्स मोड को यूज करते हुए एक जगह से दूसरी जगह डेटा ट्रांसमिट करता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड, यानी सिंक्रोनस पे डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, बिकॉज ये फुल ड्यूप्लेक्स को यूज करता है। फिर ये क्या है, सिंक्रोनस जो डेटा ट्रांसमिशन है वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी। फिर अगर असिंक्रोनस मोड में देखें तो ये क्या होता है, इसमें जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो कैसे होता है, इसके लिए स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट की आवश्यकता होती है दो डिवाइस को आपस में तालमेल बनाने के लिए, यानी एक सेंडर से रिसीवर तक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हमें स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट की आवश्यकता होती है। और जैसे ही सबसे आगे यानी जीरो, यहाँ पे जो है क्या होती है, जीरो को कहा गया है स्टार्ट बिट एंड वन को कहा गया है स्टॉप बिट। और असिंक्रोनस में डेटा जो ट्रांसफर होता है वो बाइट में ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसके अलावा असिंक्रोनस में जो डेटा ट्रांसमिट की स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है, बिकॉज ये हाफ ड्यूप्लेक्स मोड को यूज करता है। हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, इसके लिए हम पहले भी बात कर चुके कि वॉकी टॉकी हाफ ड्यूप्लेक्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और यहाँ पे जो है ये इकोनॉमिकली कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हार्डवेयर को ही इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक। तो ये सारे क्या है, इसके कुछ कंपैरिजन है। अब यहाँ पे इसको आप जो है थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा तो ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमने आपको इसमें डेटा ट्रांसमिशन भी बताया और डेटा ट्रांसमिशन के टाइप्स भी बताए। फिर उसके बाद डायग्राम के द्वारा भी आपको समझाया कि सिंक्रोनस क्या होता है एंड असिंक्रोनस क्या होता है। फिर उसके बाद इसका कंपैरिजन भी आपके सामने रख दिया कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कहाँ पे क्या चीज है, कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है फ्रेंड। ओके, अब आपको हमारी समस्या समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे दूसरी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और पीछे का आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि सिक्वेंशली लेक्चर बनाया जा रहा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक।